अमेरिका चीन विवाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी झेल रहा है। इसी कड़ी में अब ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने WHO की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि WHO पर पूरी तरीके से चीन का कब्जा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हाथ अमेरिका अपने रिश्ते खत्म करने जा रहा है। कोरोना वायरस को फैलाने को लेकर चीन का संरक्षण करने को लेकर WHO की लगातार अमेरिका निंदा कर रहा है। इसके पहले ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोकने की भी धमकी दी थी। वहीं अब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका WHO से हट जाएगा। ट्रंप ने आरोप लगाया कि WHO बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने में नाकाम रहा है। ट्रंप ने ये भी बताया कि चीन WHO को साल भर में $40 मिलियन का अनुदान देकर अपने नियंत्रण में रखता है, तो वहीं अमेरिका हर साल स्वास्थ्य संगठन को करीब $450 मिलियन का अनुदान देता है। उन्होंने कहा कि इसके पहले WHO से सुधार को लेकर सिफारिशें की गई, लेकिन संगठन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सुधार के लिए किसी भी सुझाव को नहीं माना। इसी वजह से अमेरिका WHO के साथ अपने रिश्ते तोड़ रहा है। बता दें कि इसके पहले अमेरिका ने नाराजगी जताते हुए WHO को दी जाने वाली सहायता राशि पर भी रोक लगा दी थी। इसके साथ उन्होंने संस्था के डायरेक्टर को चिट्ठी लिख 30 दिन के अंदर बड़े बदलाव करने के सुझाव दिए थे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।